में सिख समाज के द्वारा अलौकिक कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। आगरा में गुरुद्वार दशमेव दरबार शहीद नगर वैभव नगर पर शहीद भाई तारू सिंह की मीठी याद में अलौकिक कीर्तन दरबार हुआ। रहीराज साहेब जी के पाठ के साथ हजूरी रागी भाई जगदीश सिंह संगतों को संकीर्तन द्वारा निहाल किया। सावन सरसी कामन चरण कमल पियो प्यारो मन तनरत्ता चरण को एक नाम आधार सतनाम वाहेगुरु के सिमरन में लीन संगतों को ज्ञानी मनसा सिंह ने कथा के माध्यम से भाई तारू सिंह की सिद्धत संगत रूपी प्यार से व्याख्यान की। संगतों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक गुरु घर की खुशियां प्राप्त की और अरदास हुक्मनामा के तत्पश्चात सभी धर्मों के प्रेमियों का अटूट लंगर पाया। दान हरपाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों का आभार व्यक्त किया। हरपाल सिंह सेक्रेटरी रवि सिंह गुरु सेवक सिंह भोजवानी इंद्रजीत सिंह संतोष सिंह जसविंदर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अमन गुप्ता आगरा समाचार 24। आज जो हमारे 12 महीने हैं जो गुरु अर्जुन देव जी ने 12 महीने दिए हैं उस महीनों में आज सावन का महीना सिख धर्म के अनुसार शुरू हुआ है। आज सावन सरसी कामनी चरण कमल सो प्यार। आज जो सावन का महीना है जिस तरह से गर्मी के दिनों के अंदर सूखा होता है जब ये बरसात पड़ती है सब जगह हरियाली हो जाती है, इसी तरह गुरु जी ने समझाया है कि जब हम स्त्री रूप हैं जब हम इस भगवान के चरणों में आते हैं हरि का भजन सुनते हैं तो हमारा हृदय उसी तरह एक हरियाली की तरह हो जाता है आनंद में हो जाता है। आज सावन का महीना है उसके साथ साथ आज भाई तारू सिंह जी का जो है वो अपना उनका आज के दिन उन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में आया था। जकिया खान ने उनको क्या जानकारी जिस तरीके से कोविड 19 के चलते हुए 2 साल से रात्रि कीर्तन दरबार नहीं चले थे आज दोबारा दरबार शहीद नगर विभव नगर पे आप देख रहे हैं। अमृत में कीर्तन भाई तारू सिंह जी की मीठी याद में शहीद तारू सिंह जी किस तरीके से जितने सिमरन धर्म को निभाते हुए जितने रोज हफ्ते जिस सब कुछ आपके पाठ करते थे साथ साथ उसके बाद गरीबों में लंगर की सेवा जंगलों में स्थित रहते थे उनको गरीबों की सेवा करना ये धर्म निभाते हुए उन्होंने शीश दे दिया लेकिन देशों को हाथ लगाने दिया। आज बड़ा अच्छा दिवस यहाँ पे गुरुद्वारा दशमी दरबार शहीद नगर के मना करते संगत मना रहे हैं। किस तरह से कीर्तन किया जा रहा है और क्या जानकारी जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो 12 महीने हैं उसके लिए 12 माह लिखा गया है। हर माह के लिए प्रभु से कैसे जुड़ना है प्रभु का सिमरन कैसे करना है वो हर महीने के शुरू की शुरुआत कैसे करनी है इसके लिए 12 माह लिखा गया है। सावन का महीना आज शुरू हुआ है। सावन के महीने में जितना से हरियाली एक में लहरा होती है उसी तरह 12 माह में ये बताया गया सावन के महीने में ये मनुष्य ये जीव तू प्रभु के गुण गा प्रभु के साथ जुड़ प्रभु की सेवा में लग तो जिस तरह से हरियाली लहला रही है उसी तरह से तेरे जीवन में भी लहर आ जाए। आज भाई तारू सिंह का भी शहीदी दिवस है। भाई तारू सिंह जकरिया खान ने उन पर बहुत जुल्म किए उनको बार बार मुसलमान बनने के लिए डराया धमकाया उनके जबरदस्ती और उनका मस्तक केसों के नीचे से अलग करवा दिया। जब उनका मस्तक अलग हुआ तो 22 दिन जिए और प्रभु के गुण गाए। जकरिया खान की मौत के बाद जकरिया खान बीमार हुए उनकी हालत बहुत खराब हुई तड़पने लगे। हकीमों ने यह बोला आपका इलाज भाई तारू सिंह की जूते हैं उनसे होगा। उनके घर पर जूते मारे जाते थे तब उनको पेशाब आता था और वो तड़प तड़प कर जूते खाते
ठीक। अगर हमें